को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, राखी भावसार की रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राखी सोलंकी भावसार फ्रॉम मुंबई। तो इस बार हम लेके आए हैं मुंबई की गलियों से, जैसा कि पहले वीडियो में लेके आई हूँ मैं पाव भाजी, और इस बार सभी मुंबई वासियों का सबसे फेवरेट वो है वड़ा पाव की रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी के शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगी मुंबई की स्टाइल में कैसे भैया लोग बनाते हैं सूखी चटनी और वड़ा पाव की ग्रीन चटनी। बहुत ही तीखा तीखा सा फ्लेवर आएगा और बढ़िया मजा आ जाएगा इस बारिश के मौसम में। तो हम शुरू करते हैं मानसून स्पेशल वड़ा पाव की रेसिपी। तो मुंबई है और वड़ा पाव ना खाया ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो चलिए बनाती हूँ मैं और बताती हूँ आपको झटपट सी आसान सी मुंबई की फेमस वड़ा पाव की रेसिपी। तो इसे शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे रेसिपीज को देखते हैं बट इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और खुशियाँ भी बढ़े। और भाई जब व्यूज बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में मैं ले रही हूँ यहाँ 2 कटोरी बेसन, और बेसन हमारा जो है बहुत बढ़िया चिकना है और अच्छी क्वालिटी का बेसन है। इससे वड़ा पाव बहुत बढ़िया बनने वाला है दोस्तों। ऐसे ही आप बेसन यूज़ कीजिए और जाड़ा और दरदरा बेसन हमें इसमें नहीं चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब अजवाइन। बेसन जैसी चीज़ें जब हम बनाते हैं तो इसमें अजवाइन या हींग डालना बहुत ज़रूरी दोस्तों, तो यह बेसन जो है अच्छी तरीके से पच जाता है। और यहाँ उसके बाद लिया मैंने 1/2 चम्मच के करीब नमक और 1 पिंच के करीब लिया मैंने खाने का सोडा। ज़्यादा आप इसमें खाने का सोडा ना डालें, नहीं तो इसमें तेल जब हम बनाते हैं वड़ा तो तेल आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा ही डालना है इसमें सोडा 1 से 2 पिंच के करीब। और धीरे धीरे आप पानी डालते जाइए इसमें और ऐसे मिलाते जाइए, एक साथ पानी ना डालें नहीं तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे और हमें इसमें लम्प्स नहीं चाहिए। ये देखिए अब हमारा घोल बनके तैयार है। ऐसा ही घोल रखना है दोस्तों आपको, ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है इसे। और फिर इसे ढक के कम से कम 1/2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, तो इससे हमारे वड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों धनिया की चटनी बनाने के लिए। ग्रीन चटनी तो बहुत ही मस्त लगती है, तो 1 मुट्ठी के करीब मैंने लिया है यहाँ पे धनिया। और उसके बाद 4 से 5 मैंने ले रही हूँ लहसुन। अगर आपको अदरक इसमें पसंद है तो आप इसमें 1 पिंच अदरक भी डाल दें, और 2 मिर्ची डाली है ग्रीन। अगर आप तीखा चाहते हैं तो और मिर्ची डाल दें। यहाँ पे डाल रही हूँ नमक 1/2 चम्मच के करीब, और उसके बाद मैं डालूँगी 1/2 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप नींबू का यूज़ कीजिए। और 1/2 चम्मच के करीब जीरा डाल रही हूँ मैं, और उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी थोड़ी सी भुजिया सेव। और अगर आपके पास भुजिया सेव ना हो तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। इससे चटनी का जो कलर है और स्वाद है दोगुना हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, ये देखिए पीस लिया है मैंने इसे। देखिए कितनी बढ़िया ग्रीन चटनी वड़े की बन के तैयार है। यहाँ पे लिए है मैंने 5 आलू मीडियम साइज के, ये बॉइल्ड कर लिया मैंने। अब इसे अच्छी तरीके से हमें मैश कर लेना। आप ले लिए 2 ग्रीन मिर्ची मैंने, और 2 टुकड़े मैंने अदरक के लिए। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो मिर्ची आप ज़्यादा डालें। सब में ग्राइंड करके आप इसका दरदरा पेस्ट बना लें। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 पैन छोटा सा, जिसमें मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है तेल। और उसके बाद मैं 1/2 पिंच के करीब डाल रही हूँ हींग, और 1/2 चम्मच के करीब मैं यहाँ डालूँगी सरसों, और उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ जीरा। हमारी जब सरसों राई जो तड़क जाएगी उसके बाद हम यहाँ डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब जीरा, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते तड़क जाने के बाद हमने जो मसाला या पेस्ट बनाया है उसे हम डाल देंगे, ये देखिए। और इसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद हमारा जो ये पेस्ट है वह भी अच्छे से रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, और 1/4 के करीब मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर।
और अब इस पेस्ट सभी पेस्ट को मैं मिला रही हूँ, हमारे जो हमने मैश कर लिए थे ना आलू दोस्तों उसमें मिला देंगे। और उसके बाद ये देखिए पूरा का पूरा अच्छी तरीके से ले रही हूँ मैं बघार में जो हमने यूज़ किया है मसाला, वह डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने। और उसके बाद आधा चम्मच के करीब मैं यहाँ डालूँगी आमचूर पाउडर। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ मेरी श्रद्धा के अनुसार बहुत सारा धनिया, क्योंकि धनिया तो मुझे भाई इसमें और बाकी सब्जियों में जब हम डालते हैं तो धनिया का स्वाद दोगुना बढ़ा देता है सब्जियों का टेस्ट। तो अब हमें इन सबको अच्छे से मिला लेना है। हाँ आप देख रहे हैं ना कितना मस्त मसाला आलू का बनके तैयार है। बस अब हमें इसके वड़े बना लेने हैं। देखिए किस तरीके से मैं वड़े बना रही हूँ। आप चाहें तो गोल वड़े बनाएं या चपटे वड़े बनाएं, मैं आपको पहले चपटा वड़ा बना के दिखा रही हूँ। भाई दो टाइप के बनते हैं, स्ट्रीट स्टाइल के जो वड़े रहते हैं उस पर, तो आपको जैसा जमे जैसा अच्छा लगे टाइप वैसा आप बना ले। वैसे मुंबई के भैया लोग तो भाई इसे थोड़ा चपटा ही बनाते हैं क्योंकि ये पाव में अच्छी तरीके से आ जाए। तो ये देखिए अब इसमें से हम वड़े बना बना के इस तरीके से तैयार कर लेंगे। आपको बता रही हूँ भाई वड़े के साथ जो हमें ग्रीन मिर्ची दी जाती तली हुई वो, तो देखिए 3 से 4 मिर्चियाँ ले ली है और उसमें मैं कट लगा रही हूँ। ये कट आपको लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो जब ये हम तेल में तलेंगे तो ये फूट जाती हैं। देखिए गरम गरम तेल में मैंने अब मिर्चियों को कर लिया फ्राई, पर देखिए इसे फ्राई करते टाइम थोड़े से दूर रहिए आप पैन से, नहीं तो आपको चोट लग सकती है दोस्तों। तो आप प्लेट में निकाल लिया, इसमें डाला है थोड़ा सा नमक और इन सबको मिक्स कर रही हूँ मैं। तो हमारी तली हुई मिर्ची बनकर तैयार है। देखिए अब हमारा बेसन का घोल बन के बहुत बढ़िया से तैयार हो गया है। आधे घंटे बाद देखिए और थोड़ा इसे मिक्स कर लीजिए। अब चलते हैं वड़ा पाव और लहसुन की चटनी बनाने की तरफ। तो ये देखिए पैन जो है इसमें मैंने ले लिया है तेल और इसे अच्छे हीट पे गरम कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेसन करके डाल रही हूँ। यह प्रोसेस हमें लहसुन की चटनी बनाने के लिए करना है दोस्तों। तो ये देखिए ऐसे ही छोटा थोड़ा थोड़ा हमें करके इसमें बेसन डाल देना है और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से हमें ब्राउन कर लेना है। तो ये हमें जो वड़ा पाव के साथ चूरा दिया जाता है मुंबई में वह भी ये यूज़ आ जाएगा, और जो लहसुन की चटनी है उसमें भी हम इसे यूज़ करेंगे। अब हमारा जो ये चूरा बनाया है हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया है और क्रंचीनेस आ गई इसमें दोस्तों। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। तो अब मैं मिक्सर जार में ले रही हूँ 2 से 3 लहसुन की कलियाँ और उसके बाद जो चूरा है हमने बनाया है उसे हम इसमें डाल देंगे। ये बिल्कुल मुंबई स्टाइल की चटनी बता रही हूँ दोस्तों, जैसे वड़ा पाव वाले भैया बनाते हैं ना वैसा ही। तो देखिए वो इस तरीके से बनाते हैं लहसुन की चटनी। आप इसमें चूरा डाल दीजिए, इसमें आप लहसुन डाल दीजिए और डालिए कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच के करीब, और अगर आपके पास ना हो तो आप घर की सादी मिर्ची डाल सकते हैं। बट कश्मीरी जो लाल मिर्च है वो तीखापन कम रहता है दोस्तों और टेस्ट अच्छा आता है, कलर अच्छा आता है। और आधा चम्मच के करीब मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक। इसे आप ग्राइंड कर दीजिए और सूखी सूखी हमारी जो लहसुन की चटनी वो बनके तैयार है। अगर ये सूखी ना लगे दोस्तों तो आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स या पाव डाल दें। अब हम चलते हैं वड़ा बनाने के प्रोसेस में दोस्तों। तेल गर्म है हमारा अच्छी तरीके से, तो इसे मैंने धीमा कर दिया है और 2 से 3 बार बेसन में लपेटना है हमें वड़ों को अच्छी तरीके से, और उसके बाद तेल में धीरे से आपको छोड़ देना है ध्यान से दोस्तों, नहीं तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो ये देखिए ये 2 से 3 बार देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, और ये फिर लपेट के आप इसमें डाल दीजिए। तो अब हम इसे अच्छे से तल लेंगे दोस्तों। इसमें आप जो फ्लेम है उसे मीडियम से लो ही रखिएगा, नहीं तो इसमें तेल भर जाएगा और हमारे वड़े अच्छे नहीं बनेंगे और कच्चे भी रह जाएंगे, इसलिए आप मीडियम से लो पे ही इसे बनाइए। हमारे बनकर बिल्कुल तैयार है, मैं सर्विंग के लिए निकाल लूँगी इसे प्लेट में। क्या आपने इस तरीके से कभी वड़े बनाए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सावन के महीने में अगर आपको और रेसिपीज व्रत की जाननी हो तो बिल्कुल मेरे वीडियो पे आप, मैं लिंक दे दूँगी, इसे देख लीजिएगा।
और अब मैं आपको बता रही हूँ सर्व करना, इसे किस तरीके से सर्व किया जाता है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चटनी, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्प्रेड करूँगी लहसुन की चटनी, सूखी चटनी जिसे कहते हैं, और ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी वड़े जो हमने बनाए हैं बढ़िया से, और चूड़ा जो थोड़ा सा बेसन और बचा होता है उसका मैंने और चूड़ा बना लिया है दोस्तों, तो उसे भी मैं इसमें लगा रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ। और उसके बाद अपनी तीखी तीखी मिर्ची जो है ना उसे भी मैं ले लूँगी और इसमें लगा देंगे, तो हमारे वड़े जो है खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो भाई ये है हम सबके मानसून का प्यार, वैसे मेरे मानसून का प्यार, और इसे बारिश में बनाना भूल ना जाना रे। तो बिल्कुल इसे बनाइए और मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसे घर पे ट्राई करें और मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।